हेलो स्टूडेंट्स। तो यार आज अपन बात कर रहे हैं सेंट्रल यूनिवर्सिटीज की ओपन काउंसलिंग क्या होती है, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज के स्पोर्ट एडमिशन क्या होता है। आप लोगों ने अभी देखा होगा कि जस्ट अभी तो काउंसलिंग चल रही है, अभी कौन सी ओपन काउंसलिंग की बात कर रहे हैं। तो यार ये बहुत बहुत क्रूशियस इंपॉर्टेंट टाइम चल रहा है अभी। जैसे मेरे को अभी डिजायर मैंने रख रखा है कि मेरा एडमिशन सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान में हो जाए, तब तो ठीक है, उसके लायक मेरे मार्क्स हैं। अगर उसमें नहीं होता है तो मैं बाय चांस फिर ओपन काउंसलिंग सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा के अंदर एडमिशन ले लूंगा। लेकिन अभी मुझे हरियाणा में अप्लाई नहीं करना है, या फिर मुझे अभी राजस्थान में अप्लाई नहीं करना है, क्योंकि वो 1,000 रुपये काउंसलिंग फीस, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा 300 रुपये काउंसलिंग फीस ले रहा है। तो ऐसा कोई अगर बच्चा सोच रहा है तो वो उसके लिए वो बहुत गलत सोच रहा है। जो बच्चे सेंट्रल यूनिवर्सिटी की काउंसलिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं, अभी अपने आप को रजिस्टर नहीं कर रहे हैं, उनको ओपन काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करने का कोई मौका नहीं दिया जाता है जनरली। ओके, इस बात को बिल्कुल कान खोल कर ध्यान से सुने सारे बच्चे। जिन बच्चों को जिस यूनिवर्सिटी में रजिस्ट्रेशन इंटरेस्टेड है एडमिशन, तो वो अपनी आप को जाके हर यूनिवर्सिटी में रजिस्टर करें। ज्यादा करोड़ों यूनिवर्सिटी नहीं है यार, सिर्फ 14 यूनिवर्सिटी ही है। ओके, कुछ कॉलेज ही है यार, तो जैसे कुछ कॉलेज की तो फीस है ही नहीं, और ST ST कैटेगरी वाले SC ST है वो बिल्कुल जस्ट उनकी फीस भी नहीं है, और नॉर्मल फीस है, किसी की 300 रुपए है, किसी की 1,000 है। तो आपका ज्यादा से ज्यादा एटलीस्ट 5 से 6 हजार रुपए लगने वाले हैं। और यार जिनके बहुत अच्छे मार्क्स है वो सारी की सारी यूनिवर्सिटियों में अप्लाई ना करें, क्योंकि उसी की वजह से ही सीट्स वैकेंट रहती हैं, ताकि जो जो बच्चों को मिल नहीं पाती तो उनका फिर कॉन्फिडेंस लेवल बिल्कुल गिर जाता है। ऐसा भी बॉस कंडीशन के अंदर देखा गया है कि एक बच्चे को एटलीस्ट 12 12 कॉलेजों के अंदर एक एक सीट, एक एक ब्रांच मिल रही है। एक बच्चे को CS की सारी कॉलेजों में सीट मिल रही है। 14 कॉलेज है, एक उसको तो एक सीट चाहिए, फिर 13 सीट ऐसे ही वैकेंट रहती है, तो 13 बच्चों को वो सीट नहीं मिल पाती है। तो जिनके बहुत अच्छे मार्क्स है वो अपने जो टारगेट कॉलेज है उसी के अंदर अप्लाई करे जिसके अंदर उसका इंटरेस्ट हो। सारी की सारी यूनिवर्सिटियों की सीट को बिल्कुल भी वेस्ट ना करे, फिर वो पोर्टल पे सीट आती नहीं है, फिर उसकी जो ब्लैक मनी वगैरह जस्ट लाइक वैसे कुछ सीट्स भरी जाती है, और बच्चों को जस्ट लाइक वैसा होता है, या फिर काउंसलर्स होते हैं बच्चों को लूट लेते हैं। ठीक है, तो ये सारा सीन अवेलेबल है भी। तो अपने आप को रजिस्टर करें हर यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे जाके, काउंसलिंग फीस फॉर्म को बिल्कुल ठीक से फिल करें। ओके स्टूडेंट्स, और जस्ट टाइम बहुत कम है आप लोगों के पास, अगर किसी का बहुत कम मार्क्स है तो वो मेरे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट करें। ठीक है, फ्री बिल्कुल सेवा उपलब्ध नहीं है। ओके, जिस बच्चे को कांटेक्ट करना है उसके पास गूगल पे, फोन पे, पेटीएम होना चाहिए, क्योंकि ऐसे बाबा के दर्शन मिलते नहीं है। ओके स्टूडेंट, थैंक यू सो मच, बाय बाय।